अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर से होंगे, ठीक ठाक। इतना प्यारा मौसम है माहिर का, मैं बाहर देख रही हूँ, इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है। मैं अभी उठी हूँ लेकिन पूरा दिन जो है ना बारिश होती रही है, शायद सुबह से लेके। तो अभी जो है मैं बाहर जाती हूँ, मैं मेरा बहुत जब ऐसा मौसम होता है मैं फ़ौरन जो मालूम रहती हूँ कि प्लीज़ वॉक पर चलो, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ। मुझे नहीं पता, नहीं आप लेकर आई थी शायद। हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही कि मैं भीग जाऊं, स्लिप ही ना हो जाऊं, अल्लाह ना करे। हुए में बारिश हो चुकी थी और अभी भी हल्की हल्की हो रही है। वेदर यार, जूते गंदे हो जाएंगे और मैं स्लिप ही ना हो जाऊं। अच्छा ओके, गेट से अंदर एंटर होते ही साथ ही हमारे लगी हुई है टैप, इससे अब समय लगा पाँव धोकर ही अंदर आना, गंद नहीं मचाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर अच्छा मौसम है, काफ़ी क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, बहुत अच्छा। और आज मैं थोड़ा नींद पूरी करके रिलैक्स होकर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा अच्छा फील कर रही होती हूँ। सो आज मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मुझे पहले यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है जिसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, हमेशा रहती हूँ, तो मैं बताऊँगी वो क्या काम है। सो बिना इंतज़ार कराए हम पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं। आज यूनिवर्सिटी में बस एक ही लेक्चर था, वो लेते ही मुझे फ़ौरन से खाने का ख्याल आ जाता है, इतनी भूख लगी थी। मैंने बस यहाँ से पराठा लिया कि मैं रास्ते में खाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है शहनील की तरफ। और बहुत प्यारी देखो हवा चल रही थी, बड़ा मज़े का मौसम था, ये मैं पहले बता चुकी थी गाड़ी में। मैं खा रही हूँ पराठा रोल और मैं निकली भी हूँ शहनील की तरफ जाने के लिए। शहनील ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया कि वहाँ से हम लोग निकलेंगे बाजार के। यहाँ ऑफिस आने के बाद मैंने उसको कहा था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, हम फ़ौरन से निकलेंगे, और हम निकल गए बाज़ार जाने के लिए। हम जा रहे थे सबसे पहले गुलबर्ग, मरियम एंड मारिया। यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ से बस एक मैक्सी उठाई, उसके बाद हम सामने आ गए इमरोजिया। और ये आप देख रहे हैं इनकी का मतलब इनकी आउटलेट बहुत प्यारी बनी हुई थी, इतनी एक बहुत मज़े की फीलिंग आ रही थी हर तरफ। ओफ क्या सीक्वेंस ड्रेसेस लग रहे थे इसका मार। लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको भी बताऊंगी आगे वीडियो में, वो ये कि अभी तो आप लोग सारे ड्रेसेस देख लें, मगर एक जो मैक्सी आगे हमें पसंद आई ये वाली एग्जैक्ट ये। अब शहनील जो है वो ट्राई करने लगी है, उसको एक मैक्सी पसंद आई थी बहुत ही प्यारी है, वो ट्राई करके बताती है कैसी लग रही है। ये था इनका ट्राई रूम, यहाँ पर शहनील ट्राई करने गई हुई थी अंदर, मैं बाहर उसका वेट कर रही थी। मुझे आउटलेट इसे पसंद आई पूरा, मतलब ऑल वाइट सेट लगाया हुआ था बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो भी थीम था सेट था वाइट था। पर मेन चीज़ आती है ये कि इन्होंने ऊपर से मैक्सी तो अच्छी प्यारी बना दी, अंदर जो स्लिप का कपड़ा था वो इतना कम, कोई फॉल ही नहीं थी, इतना बकवास लगाया हुआ था कसम से कि लेने को दिल ही नहीं किया। 5 मिनट की दूरी पर ही लिबर्टी मार्केट थी, यहाँ पर आते ही मैंने समोसे खाए। बाजार में एक जगह से मैं गुजर रही थी, उसने तो हद ही कर दी, कहता बाजी फूफो को जेलस करने वाले डिज़ाइन हमारे पास आए हैं। मतलब ये कौन सी मार्केटिंग बोली, फूफो को मैं जेलस क्यों करूँ? मेरा दिल किया ऐसे ड्रेस बनाने का जो मैं खुद कपड़ा लूँ सिंपल सा और उसको खुद से डिज़ाइन करके खुद से सिलवाऊँ, तो हम बस ये बटन्स वगैरह पसंद कर रहे थे। अभी काफ़ी ज़्यादा करने थे, मुझे भी पसंद नहीं आ रहे थे, तो हम बस ट्राई कर रहे थे अभी। फिर फ़ौरन बैंक आए, पैसे निकलवाए क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और कैश लेके हर वक्त नहीं घूम सकते। साथ ही सोडा पिया, जिसके मतलब मैं कुछ भी बाज़ार में खाना पीना देख लूँ मुझसे नहीं रहा जाता, मैं इतनी भुक्कड़ हूँ। और
मुझसे शॉपिंग वाले तो मुझे ऐसे शॉपिंग करना पसंद ही नहीं है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ लेकिन ऐसे करना तो मैं खाती रहती हूँ। फिर ये भी बटन्स रख के देखे लेकिन ये इतने मज़े के लगे। खैर चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी मेटल की और बहुत फैंसी वाली, तो ये पसंद की ख़रीदी भी। और अब शमाइल के लिए भी ख़रीद ली थी मैंने, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे बस शैनील कुछ पसंद करे। ये ज़रा फैंसी ज़्यादा में आ गया, बड़ा बटन है ये देखिए। खैर आज हमें जो भी कुछ पसंद आया वो सब कुछ ख़रीदा और हमने टेलर को सिलने साथ ही दे दिया। और ये मेरी हालत आप देख सकते हैं। खैर अब मैं निकली हूँ, बस घर जा रही हूँ, रास्ता यही है रास्ता। गई कैसे थी और वापस कैसे ले आई फूल लो जड़ के। एनीवेज बहुत 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 थक गई हूँ। अभी सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँ। ये है जी मेरी फेवरेट आइसक्रीम, जो कि कहीं से आपको ऐसी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। कोल्ड स्टोन फेवरेट फेवरेट, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। आज का दिन बस इसी तरह से पूरी तैयारियों में गुजर गया। और ये क्या है, किस चीज़ की तैयारियां हैं, बस हमारा एक इवेंट है जो कि मैं बताऊंगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आगे के ब्लॉग्स बहुत 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 अच्छे आने वाले, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लोग इन्जॉय करेंगे बहुत बहुत ज़्यादा उस सबको। तो मेरे सारे ब्लॉग्स देखा करें और अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, तब तक के